वेरी वार्म वेलकम टू द इंजीनियरिंग बड़ी चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है महार्स डीबीटी स्कॉलरशिप रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जिन लोगों ने भी महार डीबीटी के लिए अप्लाई किया था 2021-2022 में, उनका स्कॉलरशिप आ गया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। सो आपको आपके महार डीबीटी वेबसाइट पर लॉग इन करना है, उसके बाद माई अप्लाइड स्कीम पर क्लिक करके अप्रूव्ड एप्लीकेशंस पर जाके आपको आपका डिपार्टमेंट नेम, स्कीम नेम और स्टेटस दिख जाएगा। तो यहाँ पर स्कीम का नाम है ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स। तो इधर आप देख सकते हो कि अंडर रेडियो फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट स्टेटस दिख रहा है। इसके बाद आपको बेनिफिट डिटेल्स पर क्लिक करना है। चेक रिडीम स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आपको आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। सो इंस्टीट्यूट को जो है आपके कॉलेज को 20,325 का फंड डिसबर्स्ड हो गया है और वो प्रोसेस चालू है और स्टूडेंट को 340 रुपीस मिल चुके हैं। ये हुआ एक स्टूडेंट का, मैं एक और स्टूडेंट का लॉगिन करके बताऊंगा। सो ये है सेकंड स्टूडेंट, इसके स्कीम का नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट। तो इधर भी आप चेक रिडीम स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो स्टूडेंट को वेरी शॉर्टली मिल जाएगा। उसका जो स्कॉलरशिप है 21,520 रुपीस का फंड स्टूडेंट को बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ये था लेटेस्ट अपडेट उन लोगों के लिए जिन लोगों ने महार डीबीटी के लिए अप्लाई किया था 2021-22 ईयर में। और अब तक पंजाब राव देशमुख स्कॉलरशिप का कुछ डिटेल्स या कुछ अपडेट नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल पर मिले। ऑल्सो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट उन्हें भी पता चले। अगर आपको कोई भी डाउट है महार डीबीटी रिलेटेड या इंजीनियरिंग रिलेटेड तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।